नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर बड़ा चटका लगा है, जिससे वो एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 139 करोड़ के गबन के मामले में लालू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, जिसके बाद लालू यादव को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या है ये केस और कैसे किया गया इतनी बड़ी रकम का गबन, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलों से जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अब नए केस में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 139 करोड़ रुपए के गबन के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 24 लोगों को बरी कर दिया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। लालू यादव को कोर्ट की ओर से दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स में भेजा गया। 21 फरवरी तक अब लालू यहीं रहेंगे और फिर सजा के ऐलान के बाद उनकी जेल में शिफ्टिंग का फैसला होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लालू यादव को 3 साल से अधिक की सजा हो सकती है। आखिर डोरंडा ट्रेजेडी घोटाला क्या है, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल डोरंडा ट्रेजेडी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। ये उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। ये पूरा मामला 1990 से 1952 के बीच का है। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसे पैदा की जा सके, और इस जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। इस घोटाले की खास बात यह है कि जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशुओं को लाने के लिए रजिस्टर में दर्शाया गया था, वो सभी स्कूटर और मोपेड के थे। सीबीआई ने जांच में पाया कि लाखों टन पशु चारा, भूसा, बादाम, खली, नमक स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड पर ढोए गए। देश के सभी राज्यों ने करीब 150 डीटीओ और आरटीओ से गाड़ी नंबर की जांच कराकर जांच टीम ने सबूत जुटाए हैं, और इस तरह एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इस घोटाले पर फैसला सुनाया। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख की निकासी सबसे बड़ा मामला है, और सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। इसके बाद 4 अलग अलग केसों में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है और वो जमानत पर बाहर थे, लेकिन 5वें केस में डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया। लालू यादव की सजा पर सुनवाई बाकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि लालू यादव एक बार फिर जेल जाते हैं या फिर उन्हें बेल मिल जाती है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख के गबन के मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। लालू यादव के साथ साथ आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं, जिसके बाद सभी दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।